अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत में कोरोना टीके की अनुमति को लेकर अपना आवेदन वापस ले लिया है, लेकिन भारत सरकार के विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनी ने आवेदन वापस नहीं लिया है बल्कि उसके प्रस्ताव को खारिज किया गया है। 3 फरवरी को हुई बैठक में विशेषज्ञों ने कंपनी के प्रतिनिधियों से सुरक्षा संबंधी जानकारी मांगी थी, लेकिन फाइजर एक भी दस्तावेज ऐसा नहीं दिखा सकी जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि भारतीय लोगों के लिए कोरोना का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। विशेषज्ञों ने कहा कि फाइजर कंपनी की ओर से आधे अधूरे दस्तावेज जमा किए गए थे जिसके आधार पर वह भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन विशेषज्ञों अपने पोस्ट मार्केटिंग स्थिति और टीका लगने के बाद सामने आ रही घटनाओं को लेकर जब समीक्षा का पता चला है कि फाइजर का mRNA तकनीक पर आधारित टीका सुरक्षा व पर्याप्त एंटीबॉडी विकसित करने की स्थिति में नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।